हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक ऐसे टॉपिक पर बना रहा हूँ जो हर इंसान की ज़रूरत है और आगे चल करके इस काम को करने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं और सारी दुनिया से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले पड़ोस वालों से सबसे उधार मांगना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटी की शादी के लिए। देखिए, जब हम बेटी की शादी करने के लिए खड़े होते हैं तो हमें बस ये दिखाई देता है कहीं से पैसा आ जाए, कोई उधार दे दे, रिश्तेदार दे दे, मोहल्ले वाला दे दे, कोई पड़ोसी दे दे। हम हर तरफ नज़र उठा कर देखते हैं, कुछ लोग देते भी हैं। देखिए, लोग देते हैं, अच्छी बात है, उनका प्यार है, सम्मान है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें किसी से उधार मांगने के बजाय पहले ही इस चीज़ की तैयारी कर लेनी चाहिए। और तैयारी तो ये नहीं है कि आप लाख रुपये, 2 लाख रुपये या 10 लाख रुपये उसके नाम पर डाल दें, कहीं इन्वेस्ट कर दें, नहीं। बस एक छोटी सी मामूली सी रकम आप अपनी बेटी के नाम की जमा कर दें जो आगे चलकर आपको किसी के आगे हाथ न फैलाने दें। और शादी भी अपनी बेटी की ऐसी करें, उसमें आप कार भी दें, एसी भी दें, फ्रिज भी दें, हर कुछ दें, और किसी से आपको कर्जा ना मांगना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड के अंदर आप लमसम के अंदर मात्र 30,000 रुपये जमा कर सकते हैं अपनी बेटी के नाम पर, और उन 30,000 रुपयों को आप छोड़ दीजिए शादी की उम्र तक, 18 साल कम से कम होती है, 18 साल तक के लिए छोड़ दीजिए। और 18 साल के बाद आप इस रकम को देखेंगे, 30,000 को, तो आपके जहन में भी नहीं होगा, सोच में भी नहीं होगा, इतना बड़ा आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो चलिए कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए, हमने अमाउंट जमा किया इसके अंदर 30,000 रुपये का लमसम में, हर महीने नहीं, सिर्फ एक बार आपको 30,000 रुपये जमा कर देने हैं। आगे चल के ये बताऊंगा कि आपको एक ही म्यूचुअल फंड में करना है या अलग अलग करना है। ठीक है, 30,000 रुपये आपने जमा कर दिए, टाइम पीरियड रखा आपने 10 साल का, 10 साल का टाइम पीरियड होगा आपका, और रिटर्न लगाएं आप इसका 70% का, केवल 17%। ये 17% का आप रिटर्न देख सकते हैं। टोटल वैल्यू देखते हैं आप कितनी बनती है इसकी 10 साल में। अब टोटल वैल्यू आपकी बनती है, आपने इन्वेस्ट किया 30,000, वेल्थ गेन हुई आपकी 1,14,000 की, टोटल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 1,44,000 का, 30,000 के 1,44,000 हो जाती है आपके 10 साल के अंदर। और ये नॉर्मल है, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के बारे में, उसमें कई गुना इससे बहुत बेहतर और बहुत बड़ा आपको रिटर्न मिलेगा, आप सिर्फ देखते रहना। और आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, मैं आपको और बारीकी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इन्वेस्ट हमारा अभी वही 30,000 का है, हम इसका टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने 18 साल की बात करी थी कि हम अपनी बेटी की शादी लगभग 18 साल के आसपास करते हैं, तो ये इस टाइम 10 साल का टाइम पीरियड है। अब मैं इसको करता हूँ 18 साल का, कि टाइम पीरियड होगा हमारा 18 साल का। और रिटर्न अगर हमें यही मिलता 17%, तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, वेल्थ होगी इसके अंदर 4,76,000
562 रुपये, टोटल 5,06,362 रुपये की हमारी वेल्थ बनेगी। ये नॉर्मल है, ये तो आप जो सेफ म्यूचुअल फंड होते हैं ना और जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके अंदर करोगे, इसके अंदर बहुत कम रिटर्न मिलता है, ये तो उसका है। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको, अगर इसके अंदर हमारा रिटर्न बढ़ता है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए मैंने इसका रिटर्न कर दिया है, अब 25% बढ़ा के, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसका रिटर्न 25% कर दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट होता हमारा 30,000 का। वेल्थ देखिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त बनती है, वेल्थ गेन होती है हमारी यहाँ 1,06,35,307 रुपये। टोटल अमाउंट बनता है 1,06,65,307 रुपये। देखिए ये हमारा, मैं हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें 25% 30% 40% कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इसके अंदर आपको 60% 100% मिल जाए। मैं भी आपको कुछ शेयर दिखाऊंगा जिन्होंने 60-60, 50-50% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। और थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा देते हैं तो फिर देखना इसकी वेल्थ हमारी क्या होगी। इसको हमने 30% कर दिया, अब देखिए वेल्थ हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इन्वेस्ट वही का वही है हमारा 30,000 का। अब गेन देखिए इसके अंदर वेल्थ गेन कितनी हो रही है, 3,03,43,500 रुपये टोटल अमाउंट, 3,03,73,598 रुपये। ये कितना ज़बरदस्त रिटर्न से हमें फ़र्क पड़ता है। अगर जो हमें इतना रिटर्न मिल जाता 30%, तो देखिए हम 30,000 के इन्वेस्ट से अपनी एक बेटी या 10 बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी ही कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत सारी LIC वगैरह में कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने 500-700 रुपये डालते हैं, 1,000 रुपये डालते हैं या 2,000 डालते हैं, ऐसा ना करके म्यूचुअल फंड में डालें और सिर्फ एक बार डालें, 20-30,000 डाल दें, उसके बाद छोड़ दें उसको 18 साल के लिए, अपनी बेटी की शादी के टाइम तक के लिए छोड़ दें, फिर आपको लाखों में रिटर्न देखने को मिलेगा। मात्र 30,000 रुपये में लाखों का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और इतना ना भी मिलता है अगर हम देखिए इस इस रिटर्न से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, रिटर्न हमें मामूली कम भी हो जाए तो हमें 10-5 लाख या 10-15 लाख या 20 लाख मिलना बहुत आसान बात है। 20% रिटर्न मिल जाए, 19 मिल जाए, तो फिर भी हमें मात्र 30,000 रुपये से 8-10 लाख रुपये बहुत मामूली तौर पर मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ वो दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड जिन्होंने कितना कितना रिटर्न बना के दिया है। आप देख रहे हैं हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में, अब वो दिखाऊंगा आपको। ये देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इक्विटी स्मॉल कैप है, इसने रिटर्न कितना बना कर दिया है देखिए 61.08% का। ICICI प्रूडेंशियल देख लें कम्युनिटीज फंड, इसने कितना दिया 49.6% का। निप्पॉन इंडिया देख लें 48% का। और बाकी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो हाई रिटर्न वाले हैं जिन्हों के लिए 30-35% रिटर्न निकालना बहुत छोटी बात है, बहुत मामूली बात है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर एक छोटा सा अमाउंट डाल करके भूल जाते हैं 18 साल के लिए 20 साल के लिए, तो इससे आपकी तो आपकी आने वाली नस्लों की भी किस्मत चमक सकती है। और आपके नसीब ने अच्छा साथ दे दिया और बेहतर साथ दे दिया,
ऐसा भी देखा गया कि 100% के रिटर्न देखने को मिले हैं। अगर इतना रिटर्न मिल जाता है तो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आपके पास पैसा होगा, 1-2 करोड़ नहीं 50-100 करोड़ रुपये की आप वेल्थ अपने पास जमा कर सकते हैं। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि बैंक में पैसा इतना रखें जितनी आपकी ज़रूरत है। आपके पास जो पैसा है उस पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, उसके अंदर आपको बहुत नॉलेज लगानी पड़ती है, उसमें तो और ज़्यादा तेज़ी से पैसा बनता है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसी चीज़ है, इसके अंदर आप लगा छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा होता रहेगा। आपको 20 साल बाद अपना वो पैसा निकाल लेना है, आपको जितना बनता है, 1,50,00,000, 2 करोड़, 10 करोड़ जितना बनता है। तो इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, शादियों के लिए, हर खर्चों के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई मैं पैसा लेके वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ अपने भाइयों के लिए, अपने मिडिल क्लास लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि सही जगह पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कमी रही हो तो कमेंट करके बताएं कि कहीं गलती कर रही है आपने, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने भाइयों में, दोस्तों में, ताकि सब जागरूक हो सकें, अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।